फ्रेंड्स हाउ आर यू, आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग केयर अबाउट योर सेल्फ एज वेल एज स्टडिंग वेरी वेरी हार्ड. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोइम, फायर एंड आइस. एंड द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड दिस पोइम इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. तो क्लास 10th की NCERT की बुक का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पोएम आज हम सेंट्रल आइडिया पढ़ने जा रहे हैं. इसका नाम है फायर एंड आइस और पोइट है मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों, और इस पोएम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठाया गया है. एक तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं ये जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल है, ये टॉपिक है यूनिवर्सल है, क्योंकि पोएट को ऐसा आभास हो रहा है और हमें भी शायद हो रहा है कि दुनिया में जो इंसान ने किया है पिछले 500 सालों में, उसकी वजह से इस प्लेनेट पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है. ये प्रॉब्लम आ रही है इस प्लेनेट के एक्सिस्टेंस के बारे में, जो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कहीं ख़त्म ना हो जाए, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो, लगातार पेड़ कट रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि हर साल शायद 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है. दूसरी ओर सी लेवल भी बढ़ रहा है, तो दुनिया सिकुड़ भी रही है, दुनिया धधक भी रही है. तो इसलिए पोएट ने उन दो थ्योरीज को बेस्ड बनाकर, जो अलग अलग साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स और जो दुनिया के हमनवाज हैं, रहनुमा हैं, उनकी रिसर्च के आधार पर ऐसा माना है कि या तो दुनिया का खात्मा अंत आग से होगा, वार्मिंग से होगा, ग्लोबल वार्मिंग से होगा, जो उसमें नष्ट हो जाएगी, दुनिया जलेगी, या फिर वो आइस से या सब बर्फ बन जाएगा, हिमयुग आएगा. ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा इंतहा हो जाएगी तो वो कयामत भी आएगी और उससे दुनिया या तो सब खाक होगा या सब एक तरह से जम जाएगा. इन दो थ्योरीज़ को पोएट ने अपने अलग तरीके से मेंशन करना चाहा है, बयान करना चाहा है. उसने फायर का यूज सिंबोलाइजिंग की तरह किया है, सिंबोलिकली यूज किया है कि फायर का मतलब है वायलेंस, एंगर या ब्रूटेलिटी. लोगों को इतनी गुस्सा है, लोगों में इतनी नफरत भर रही है, इतना एंगर कूट कूट के भरा हुआ है कि अब लोग चीज़ों को डेलिकेटली नहीं लेते, वो उसका रिस्पॉन्ड बहुत ही वायलेंटली करते हैं. हिंसा लगातार बढ़ रही है. हम अलग अलग कहानियों में, अलग अलग न्यूज़ में या कहीं से भी खबरों में देख रहे हैं कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े हिंसक वारदातें कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड में एक वायलेंस है. दूसरी ओर हम देख रहे हैं आइस है. आइस का मतलब यहाँ पर यूज किया गया जेलसी, सेल्फिशनेस एंड हेट. लोगों को एक दूसरे इतनी ईर्ष्या है, घृणा है, या लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. सो ये दोनों तरीके से दुनिया एक तरह से ख़त्म होने जा रही है या दुनिया का अंत हो जाएगा, चाहे वो वायलेंस से हो या फिर वो साइलेंस से हो. ज़रूरी नहीं है कि तलवारों से ही हम किसी को नष्ट करें. कई बार हम स्लो पॉइजन देकर, फ्लैटरी करके, चापलूसी करके, या झूठ बोलकर, या उसके खिलाफ कोई ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी करके भी उसे ख़त्म कर सकते हैं. तो पोएट ने इन दोनों रास्तों से बताया है कि दुनिया को ख़त्म करने के दोनों तरीके हैं. जिस तरह किसी को नफरत से मारा जा सकता है, हिंसा से मारा जा सकता है, उसी तरह किसी को एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर भी हैंडीकैप्ड बना सकता है. तो ये जेलसी या हेट या सेल्फिशनेस भी उतनी ही खतरनाक है जितना कि गुस्सा या हिंसा. आई होप आपको इस पोएम का सेंट्रल आइडिया समझ में ज़रूर आया होगा. अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड